अस्सलामुअलैकुम एंड न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर अफजल। खबरों का आगाज करेंगे, शामिल करेंगे मुल्क भर से अहम खबरें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन जनरल परेड का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस पाकपतन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। डीएसपी ऑर्गेनाइजर क्राइम शहजाद गिल ने सलामी के चबूतरे पर सलामी दी। जनरल परेड में पंजाब पुलिस अलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। जनरल परेड का मकसद पुलिस मुलाजमीन की इस्तेदाद कार को बढ़ाना और इनमें टर्न आउट और डिसिप्लिन को मज़ीद बेहतर बनाना है। आज़ाद कश्मीर बर की तरह बाग आज़ाद कश्मीर में भी सिविल सोसाइटी की तरफ से श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। भारत आलमी दुनिया की आंखों में दूर झोंक कर मसला कश्मीर को पसे पुश्त डालना चाहता है। श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस के इनकाद में भारतीय ड्रामे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर बर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शहरी भारतीय इकदाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ज़िला बाग में मुख्तलिफ मकामात पर भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जमान चौक में होने वाले मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। जेपी हुकूमत के खिलाफ नारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस मौके पर मुजाहरीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो कश्मीर में जारी जुल्म सितम बंद करें और भारत जहारियत के खिलाफ नोटिस ले। जब तक कश्मीरियों को इनका बुनियादी हक नहीं दिया जाता, आखिरी कश्मीरी भी शहीद होने को तैयार है। चन्योट में डकैती की वारदात। थाना सिटी के इलाके जुमरा रोड पर दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात हुई, जहां मसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने निजी पेट्रोल पंप पर मैनेजर से 44 लाख रुपए नकदी और मोटरसाइकिल छीनने के बाद मजम्मत पर पंप मैनेजर को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। थाना सिटी चन्योट के इलाका जुमरा रोड पर मसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने निजी पेट्रोल पंप के मैनेजर से असले के जोर पर 44 लाख रुपए के करीब नकदी और मोटरसाइकिल भी छीन लिया और पेट्रोल पंप मैनेजर को 23 साला मोहम्मद आसिफ को फायर करके शदीद जख्मी कर दिया, जबकि मैनेजर के हमरा मुलाजिम को भी जदोकोब किया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक मसल्ला डाकू पेट्रोल पंप मैनेजर से रकम छीनने के बाद मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए। वाकये का इलम होते ही DSP हेडक्वार्टर मौके पर पहुंच गए। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तहकीकात शुरू कर दी, जबकि डाकू की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाले पेट्रोल पंप मैनेजर को तभी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा ने डैम्पर्स एसोसिएशन बजरी रेत सप्लाई ठेकेदारों से मीटिंग करते हुए हदायत की कि वो डैम्पर्स में ओवरलोडिंग ओवर स्पीड से इज्तनाब करें। चन्योट में डैम्पर्स की वायलेशन हादसे का सबब बन रही है। इन्होंने सेक्रेटरी DRTA को हदायत की कि कम उम्र और लाइसेंस रखने वाले ड्राइवर्स और ओवर स्पीड ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरी कार्रवाई करें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा ने मजीद कहा कि डैम्पर्स की प्रॉपर मरम्मत करवाएं ताकि सड़कों पर रेत या बजरी ना गिरे। इंसानी जानें बहुत कीमती हैं, हादसात की रोकथाम के लिए अमल इकदाम किए जाएं। मुतलका महकमों ने रवा साल की डैम्पर के सबब होने वाले हादसात और कीमती जानों के ज़ाया के जख्मी होने वालों की तादाद के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू अल्ताफ हुसैन अंसारी, महकमा रेस्क्यू 1122 माइंस एंड मिनरल हाईवे COMCs, जिला कौंसल, दिगर मुतलका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। खबरें आपने जानी, दुनिया भर के हालात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एन न्यूज़। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।